नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरसर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप लोग वनडे एंट्रेंस की कर रहे हैं और वनडे एंट्रेंस में आपका पुलिस भी आता है, वनडे एंट्रेंस में आपके समीक्षा अधिकारी भी आते हैं, वनडे एंट्रेंस में आपका लेखपाल भी आता है और वनडे एंट्रेंस के थ्रू ही लगभग वैकेंसियाँ आपकी कंप्लीट होती हैं। बस सिविल परीक्षाओं को छोड़ के IAS परीक्षा आपकी जो है उसमें वनडे नहीं होता, उसका जो मेंस है वो 3-4 दिनों तक चलता है। तो मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो लगातार 4 से 5 भर्तियों को क्रैक कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में भी उनका सिलेक्शन हुआ, फाइनली सिलेक्ट नहीं हुए, फिजिकल में कुछ दिक्कत थी, फाइनली दिल्ली पुलिस की बात करेंगे। आप जानते हैं SSC GD के थ्रू वैकेंसी आती है, 3 से 4 टर्म उनका जो है हुआ है, वहाँ भी फिजिकल की कुछ दिक्कत थी, नहीं हो पा रहा था फाइनली। आप जानते हैं मित्रों, जो संघर्ष करता है ना उसका रिजल्ट जो है एक या एक दिन आता तो है, ये सब कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि रिजल्ट आएगा और फिर ऐसा रिजल्ट आएगा कि आपका भी दिल जो है थोड़ा गदगद हो जाएगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा। आज जो है विष्णु जी हैं हमारे बीच और ये आपको बताएंगे अपने सक्सेस की कहानी, कैसे इन्होंने दिल्ली पुलिस, जो एक टाइम ऐसा था कि जब ये दिल्ली पुलिस का फिजिकल देने के लिए परेशान थे और तब इन्हें बाहर कर दिया गया था, आज वो दिल्ली पुलिस है कि फिजिकल की डेट बुलाई जा रही है और ये जा नहीं रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ये रेलवे में सिलेक्टेड थे ग्रुप डी पोस्ट पे और वर्तमान समय में जो आप जानते हैं 8085 पदों पे आपका लेखपाल हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसमें फाइनली सिलेक्शन हो गया है और ये ग्रुप डी वाला पोस्ट छोड़ना चाहते हैं। तो विष्णु जी, आपका स्वागत है, थोड़ा सा बताएं बच्चों को। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि तैयारी करने से पहले आप लोग ये सुनिश्चित करें कि आपको किस लेवल की तैयारी और कौन से एग्जाम को देना है। आप ये नहीं कि आप चारों तरफ भाग रहे हैं, कभी ये कभी वो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले सिलेबस को देखिए, एक बार एनालिसिस करिए, उसके बाद ही आप अपना जो है पेपर दीजिए आगे चल। यानी लक्ष्य निर्धारित, हाँ लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। मैंने कई पेपर दिए, 3 टाइम्स SSC GD, एक बार ही दौड़ने में गया, क्योंकि एक बार मैं गया 2018-19 में तो मैं नहीं दौड़ पाया, तब से मैं दौड़ना बंद कर दिया, नहीं गया उसमें दौड़ने। दिल्ली पुलिस में किस्मत ने साथ नहीं दिया और अच्छा हुआ साथ नहीं दिया, अगर उसमें मैं 2021 में हो गया होता तो आज मैं पटवारी या लेखपाल नहीं बना होता, क्योंकि उसमें हो जाता तो पढ़ाई छोड़ देता। और इसीलिए कहते हैं कि जो भी होता है ज़िंदगी में आपके अच्छे के लिए होता है, और आप जानते हैं कि 60,000 वैकेंसी बहुत होती है, यूपी पुलिस की 60,000 वैकेंसी आई है, जीवन में कभी इतनी वैकेंसी अब नहीं आने वाली। हाँ, भविष्य की सबसे बड़ी भर्ती ये जो है यही मानी जा रही है, और इसमें 44 लाख से ज्यादा फॉर्म पड़ चुके हैं। हाँ, इतने फॉर्म पड़ गए हैं, ठीक है। और मैं बताऊं कि आप ये सोचें कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप देखते हैं SSC GD में 20,000 वैकेंसी आती है, ऑल इंडिया वैकेंसी होती है, आपकी यूपी में आई है 60,000 वैकेंसी। तो कहना ये चाहेंगे कि आप फोकस करिए अपने पढ़ाई पे ज्यादा से ज्यादा, और डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। जिनको मैं बता दूं एक बार, मुझे मैथ में एवरेज नहीं आता था, मैंने तैयारी शुरू की थी 2017 में। बड़ी बात बोल रहे हैं, हल्के में नहीं लेना है, एवरेज सबको आता होगा, मुझे नहीं आता था उस समय। और आज ये है कि मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो तुरंत बन जाता है, क्वांट प्लस एडवांस सब सब बहुत ठीक है। बात है, बहुत बढ़िया। ये लगातार मित्रों मेहनत के बल पे संभव है और कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस चाहिए। आपको मेहनत करना है ज्यादा से ज्यादा, और कोई कुछ भी कहे आपको उस पर ध्यान नहीं देना है कि इनसे नहीं होगा उनसे नहीं होगा, ठीक है। आपने पढ़ाई पे फोकस करते रहिए। और एक बात और, GS को ज्यादा महत्व ना देते हो, करंट अफेयर, UPGK और थोड़ा बहुत GS और हिंदी, रीजनिंग, क्वांट, आप ये अपना बेस्ट लेके चलिए, आपका सिलेक्शन यूपी पुलिस में निश्चित हो जाएगा। अच्छा विष्णु जी, हम ये चाहेंगे आप अपनी थोड़ी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताएं। प्रारंभिक शिक्षा वही गाँव में, जो आप लोग देखते हैं हिंदी मीडियम के हम लोग छात्र हैं, गाँव से बिलोंग करते हैं, तो 10th तक तो गाँव में पढ़ा, उसके बाद। अच्छा, ये प्राइमरी स्कूल में आप पढ़े हैं? नहीं पढ़े, जो प्राइमरी में पढ़े हैं। हाँ, बहुत प्राइमरी में पढ़े हैं, तो वो पढ़ते थे, 300 मिलता था ना। हाँ, 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 तो उसमें तो पढ़ाई हुई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और उसके बाद में इंटर टॉमसन इंटर कॉलेज गोंडा से किए। हाँ, और इंटर करने के बाद ही मैं जो है तैयारी अपना स्टार्ट कर दिया था इलाहाबाद जाके। अच्छा, तो उसके साथ आपने क्या किया? बीए किया। अच्छा, बीए किया आपने, बहुत इंग्लिश से बीए किया और तैयारी अपना करता रहा। पहला पेपर SSC GD का दिया था 2018 की वैकेंसी वाला, उसमें सिलेक्शन हुआ। आप तो जैसे जानते भी हैं, मैं दौड़ने गया था लखनऊ में, नहीं दौड़ पाया था उस दिन जी। उसके बाद
फिर तैयारी आगे जारी रही, सीपीओ दिया, सीजीएल का मेंस दिया, सीपीओ मेडिकल में थोड़ी आँख ज़्यादा पढ़ने की वजह से आँख धीरे धीरे विजन डाउन हो गया, तो उसमें मेडिकल में रह गया। इधर रेलवे ग्रुप डी में हुआ और लेखपाल का पेपर पहले हो गया था, उसमें हो गया। और यूपी पुलिस, आपको मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जितने भी नए लड़के हैं और जो 3 साल की छूट पाके आ गए ना, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौका है, बहुत गोल्डन चांस है, उन्हें इसमें फाइनली सिलेक्शन लेना ही लेना है। और कट ऑफ आपकी भाई देखो, 3 साल छूट मिली है तो आप ये जानिए कट ऑफ जाएगी 60,000 वैकेंसी, फिर भी बिल्कुल बिल्कुल आपको 220 स्कोर लाना ही है। आप ये सोच के चलिए कि हमको 220 स्कोर जनरल वालों को करना है, 220 प्लस ही रहेगा तब काम बनेगा, क्योंकि उससे कम हमें नहीं लग रहा कुछ भी होगा। 44 लाख बंदे हैं, 44 लाख फॉर्म पड़ा हुआ है। खास बात यह है कि एससी एसटी ओबीसी के लिए 30 साल एज लिमिट कर दी, तो जो बंदे कहीं नहीं हो रहे थे वो अब लटके हुए बैठे थे, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका मिल गया, तो वो जनरल की सीट इस बार लेंगे। तो आपको लगातार बने रहना है मित्रों और खूब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बस हम यही चाहेंगे आपके लिए, ये है कि आप, और ये सोच के नए लड़के डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो कि ये 30 साल वाले आ गए हैं तो कैसा होगा, ये होगा वो होगा। तो मित्रों कुछ असुविधाएं थी बीच में, आपने देखा होगा, लेकिन अब असुविधाएं दूर हो गई हैं। मैं फिर से विष्णु जी के साथ जो है जुड़ना चाहूंगा और ये पूछना चाहूंगा कि जो प्रारंभिक शिक्षा है, क्या उसमें कभी धन का अभाव आता है? विष्णु जी थोड़ा बताएं। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप नहीं पढ़ सकते, आप देख रहे हैं आज तक घर घर एडुकेशन ऑनलाइन माध्यम से पहुंच रहा है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया आप यूट्यूब पे डाल के देख सकते हैं, किसी भी टीचर का जो भी आपको समझ में आ जाए आप देख सकते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा हाई स्कूल तक तो गाँव में ही पढ़े हम, ठीक है, गांव में कौन कैसे पढ़ता आपको पता ही है, ठीक है, किसी तरह से पास हुए, फिर हिंदी मीडियम से थे तो कितना किसको आता आपको सबको पता है, ठीक है, फिर इंटर टर्म्स इंटर कॉलेज गोंडा से किए थे, हिंदी मीडियम से ही सब कुछ था, वो भी सरकारी स्कूल है, 20 रुपये फीस पड़ता था उसमें, जी 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 जी, ठीक है। धन का अभाव अगर आप चाहते हैं ना कि धन नहीं है तब मैं नहीं पढ़ सकता, ऐसा नहीं है, 20 रुपये फीस पड़ता था, अभी भी 40 रुपये या 30 रुपये फीस है स्कूल का, बहुत अच्छा कॉलेज है, हॉस्टल में रहते थे, 6,000 लगा था फीस और 6,000 आ गया था स्कॉलरशिप में, ठीक है, तो एक पैसा नहीं लगा इंटर तक। उसके बाद किसी तरह से इंटर के बाद में हम इलाहाबाद गए, ठीक है, वहां से अपनी तैयारी स्टार्ट की, उस समय ऑनलाइन माध्यम नहीं था, ठीक है, इसलिए जाना पड़ा। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आज के युग में अपनी पढ़ाई फोकस करते रहिए, ठीक है, और सबसे बड़ी बात है आप देखिए, अगर आपको आगे चल के यूपीपी के बाद में अगर और कोई परीक्षा देनी है तो आप जीएस में हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सब साथ में लेके चलिए, अगर आपका मैथ, जिसका हो सकता है मैथ बहुत लोगों का स्ट्रांग हो, आप अपना जीएस पे फोकस करो, ठीक है। सारे लोग ऐसे होते हैं जी कि मान लो वो एक परीक्षक तैयारी किए और उसमें उनका नहीं हुआ, फिर वो इतना ज्यादा हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं कि वो फिर पढ़ाई से नाता ही नहीं करना चाहिए। देखो मैं अपनी एक जर्नी बताता हूँ, दिल्ली पुलिस की दौड़ थी मेरी, ठीक है, 12 जुलाई 2021, मैं दिन कभी भूल नहीं सकता, और मेरी रनिंग पता है कितने से रुकी थी, 1 सेकंड से रुकी थी, उसमें जो है चिप लगा के दौड़ाए थे, तो उसमें वो लोग, मैं बहुत रोया, लेकिन वो लोग यही बोले कि कुछ बेटा हम कर नहीं सकते। उन्होंने वहां पे हमको एक कविता सुनाई थी, मैं आप सबको सुनाना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, ठीक है। तो आप ये याद करिए और ये लिख लीजिए लाइन आप, ठीक है, कि कुछ भी हो जाए हमको आगे बढ़ना है, एक एग्जाम फेल होंगे दूसरा देंगे तीसरा देंगे, मैंने कई एग्जाम दिए हैं। मैं बार बार अपने दर्शकों से बोलता रहता हूँ, सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। बस बस मित्रों, वक्त को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वक्त पे आपका जो है चयन हो सकता है, लेकिन जब वक्त के साथ आप चलेंगे तभी काम बनता है मित्रों। अब वही दिल्ली पुलिस था 2021 का मैंने पेपर दिया था, जी जान लगा के, आपको पता है कितना मैं दौड़ता था, जी जान लगा के दौड़ रहा था, नहीं हुआ। और आज 16 तारीख को उसका मेरा रनिंग था, आज ही 16 शायद, हाँ आज भी 16 है, 16 जनवरी है, 2024 की रिकॉर्डिंग हुई है, और 16 जनवरी को मेरा फिजिकल था, मैं फिजिकल देने नहीं गया क्योंकि मेरा इधर लेखपाल में हो गया, इसलिए मैं छोड़ दिया फिजिकल, क्यों एक सीट बर्बाद करना, वैसे भी मैं दौड़ नहीं पाता, लेकिन गया ही नहीं फिर। तो यही होता है कि आप, एक समय आएगा ना जो जिसके लिए आज आप मर रहे ना, एक समय आएगा ना कि आप उसको ऐसे छोड़ देंगे, नज़रअंदाज कर देंगे तुरंत, एक समय वो भी आएगा। अच्छा विष्णु जी, थोड़ा ये जर्नी बताएं अपनी,
जो पारिवारिक बैकग्राउंड है उसके बारे में थोड़ा बताएं। पारिवारिक बैकग्राउंड, जैसे हमारे घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं जो हमको ये गाइड कर सके कि तुमको क्या करना है। ठीक है, पापा हमारे किसान हैं, ठीक, और कोई नहीं पढ़ा लिखा है कि कोई ये बताए, सब माता जी गृहिणी है। हाँ, माता जी गृहिणी है, और उसके बाद में घर में कोई पढ़ा नहीं, तो बस जो हमको करना है अपने मन से करना है। सब बोले SSC तैयारी करो इंटर बाद, हम भी सोचे चलो साला SSC तैयारी करते हैं। आप भी जानते होंगे मित्रों, ज्यादातर लोग जैसे इंटर क्वालिफाई करते बस SSC तैयारी, या तो SSC तैयारी या फिर अगर सेना भर्ती पहले आती थी, अब हाँ। तो अम्बीर आ गई, अब तो उससे भी मोह भंग हो गया लोगों का। नहीं, पहले या तो सेना भर्ती या फिर SSC तैयारी, दो में से एक होता था। और हमको ये पता नहीं था SSC इतना कठिन है। उस समय जब मैं इलाहाबाद गया तो मैं कोचिंग किया एक जगह, तो वो पढ़ाते थे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या होता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वहाँ कुछ भी 1% समझ नहीं आता था। और एवरेज, मैं जैसे वो बोल दिए थे कि 20 तारीख को मैं एवरेज पढ़ाऊंगा, तो मैं 10 तारीख से ही सोचा था ये एवरेज होता क्या है आखिर। आप लोगों को सबको पता होगा, हमसे तो सभी पढ़ने में अच्छे होंगे, और मैं बता दूं आज मैथ का कोई भी क्वेश्चन आप लाइए कहीं से भी, एडवांस में चाहे अर्थमेटिक का, हम लगा जरूर देंगे उसको। देखिए कॉन्फिडेंस ऐसे आता है मित्रों, 18 से तैयारी किया बंदा, 23 चल रहा है अभी, जान रहे हैं ना, 6 साल हुआ है बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस, आप देख सकते हैं। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन CPSI भी SSC ही करवाती है, परीक्षा होती है, उसका भी बंदे ने प्री निकाला है, उसका भी जो है फिजिकल दिया है, मेंस भी दिया है, सब कुछ अच्छे से हुआ है। बस थोड़ा सा देखने में भाई दुबले पतले हैं, इसलिए जो है थोड़ी सी फिजिकल की दिक्कत हो जाती है कभी कभी, लेकिन कई जगह जो है इनको 6x6 आंख ना होने की वजह से भी दिक्कत है। आज रात का जो है रिकॉर्डिंग था, इसलिए हमने कहा चश्मा नहीं लगाना है, तो इसलिए नहीं लगाए हैं। बंदा पढ़ता बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ सोचो, जीरो से और हीरो बनने तक का सफर ऐसे रहता है। और मित्रों खास करके मैं प्रयागराज वालों के लिए बता दूं, प्रयागराज में क्या सर रूम के लिए कोई दिक्कत होती है या फिर? प्रयागराज में देखिए, मैं दारागंज में रहता था, ठीक है, सबसे सस्ता रूम दारागंज के, तो फिर छोटा बघाड़ा मिलता था जी, ठीक है, और आप सलोरी वलोरी में रहते तो थोड़ा महंगा मिलता है, तो मैं 2500 में रूम लिया था उस समय, ठीक है। तो दारागंज में रहता था, वहाँ से कोचिंग बहुत दूर है, 2.5-3 किलोमीटर पड़ जाता, साइकिल से जाते थे हम दोपहर में, साइकिल से आते थे फिर लाइब्रेरी करते थे। और ये जान लीजिए कि अगर आपको पढ़ना है तो बाहरी दुनिया से हटना पड़ेगा। आप चाहे देख लीजिए, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे वो DGT हो, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस हो, या फिर आपकी लेखपाल भर्ती हो, कहीं भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है तो फिर उसका सिलेबस दिमाग में सदैव होना चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्या कह रहा है इसके बारे में आपको बार बार कहते रहता हूँ, प्रीवियस ईयर पे जरूर कमेंट करना है। हाँ, सर प्रीवियस ईयर के बारे में थोड़ा, प्रीवियस ईयर आप देखिए, ठीक है, ये नहीं कि कोई टीचर आपको पढ़ा दिया ऐसा क्वेश्चन कि ये आएगा इतना कठिन, आप बिल्कुल मत पढ़े ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखें, उससे कोरिलेट करें, देन उसके बाद आप तैयारी करें बढ़िया से। ये नहीं, आपको जो है विद्वान नहीं बनना, आपको पेपर निकालना है। हाँ, पेपर निकालने के लिए आपको उतना ही जानना है जितना पेपर पूछता है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो है क्या सटीक रणनीति के लिए कोई टीचर की गाइडेंस की आवश्यकता है या सेल्फ भी हो सकता है? देखो, टीचर की गाइडेंस भी जरूरी है और सेल्फ भी जरूरी है। आप टीचर की गाइडेंस भी लेते रहिए, जैसे GS में भी थोड़ा बहुत गाइडेंस अगर आप लेते रहेंगे, GS एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप देखेंगे सुनेंगे तो ज्यादा याद होता है, ठीक है, सुनने से देखने से ज्यादा याद होता है। आप पढ़ेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा उतना पढ़ने में, सबका अलग अलग तरीका है मित्रों। कुछ लोग जो है पढ़ के याद करते हैं, कुछ लोग देख के याद करते हैं, देखेंगे नहीं, देखने से ज्यादा याद करते हैं जी। अगर आप देखेंगे उसके बाद पढ़ेंगे वही चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी। चलिए बहुत बढ़िया है। और हिंदी वगैरह तो आप जानते हैं कि पढ़ने से ही आएगा, लेकिन GS अगर आप देखते रहेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा GS, ठीक है। और मैं बता दूं ये लेखपाल वाला मैं कैसे पढ़ता था, आपको याद है मैं लखनऊ में भी रहता था उस समय, कुछ दिन के लिए आप लखनऊ, छह महीने में एक बार भी आपसे मुलाकात नहीं हुई, जी नहीं हो पाई थी, ठीक है जी, बिल्कुल। 24 घंटा में लाइब्रेरी में रहता था। आप पूछेंगे ये कैसे, मैं सुबह 10 बजे लाइब्रेरी जाता था, फिर फ्रेश होके 2 घंटे में 12 बजे फिर आ जाता था, टिफिन दोनों टाइम लगाया था उस समय, सुबह शाम वहीं लाइब्रेरी में 12 से 5 सोता था मैं। बंदे देख लो, आपके पास भी बहुत गोल्डन चांस है, 18 फरवरी को पेपर है। हाँ, अगर आप चाह रहे हैं तो मित्रों दे सकते हैं, 1 महीना कोई बड़ी कुर्बानी नहीं है, और हो जाएगा तो फिर फाइनली उत्तर प्रदेश में आप सिलेक्ट होंगे। हाँ। और आने वाले समय में आप भी जानते हैं कि पुलिस का जो है वर्डन है ना, ये कम हो जाएगा, जो अभी 12 घंटे ड्यूटी चल रही है इसकी डिमांड 8 घंटे की हो रही है,
तो अगर आपने जज्बा है, सोचा है कि उत्तर प्रदेश में सेवा देनी है, थोड़ा सा जो है समाज का कार्य करना है, तो फिर आप सरकारी नौकरी में रह के थोड़ा ज्यादा अच्छे कर सकते हैं अपेक्षा कर। एक बात और, ये कम उम्र वाले जो है ना, ये बिल्कुल डरे नहीं कि 3 साल छूट दे दिया गया तो मेरा क्या होगा। अरे उनको 3 नहीं 10 साल की छूट दे दो, जो पढ़ते हैं वही निकाल पाएंगे। ठीक है, आपके अंदर जज्बा है तो आप एक बार में, मैं SSC GD 2017 में एंटर करके गया था, एक ही साल में निकाला था मात्र 6 महीने पढ़ के। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि मैं नया हूं तो नहीं कर सकता हूं। नए हैं तो आप और अच्छे से करेंगे। मित्रों, जब आप नए नए रहते हैं, तैयारी बहुत अच्छे ढंग से आप करते हैं, तब पढ़ने का जज्बा भी थोड़ा ज्यादा ही होता है। 8 से 10 घंटे आप आराम से बैठ के पढ़ लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता था, एक चाय और एक जो है टिफिन के बल पे पूरा दिन निकल जाता था, बंदे पढ़ लेते थे। लेकिन आज टाइम ऐसा है, कहेंगे सर आज ऐसा निकल गया, आज वहां जाना पड़ गया, ये सारे बहाने छोड़ के मित्रों 1 महीना अपना बढ़िया से दे दीजिए। 1 महीना तो बचा है और उम्मीद है कि आप सब बेटर होंगे और उत्तर प्रदेश में आने वाली भर्तियों में कहीं ना कहीं सिलेक्ट होंगे। मैं केवल उत्तर प्रदेश की एक भर्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी भर्तियों में यही हाल है। जैसे अभी लेखपाल हुआ, इससे पहले ग्रुप डी में भी ये पोस्टेड है, ऑन ड्यूटी थे, अभी छुट्टी लेके, थोड़ा उसका सफर बताइए सर। देखो ग्रुप डी में बताऊं मैं तो, नौकरी आपके लिए कोई भी मिल जाए तो सरकारी तो अच्छा होता है, लेकिन जो है मैं कहूँगा कि अगर आप तैयारी करना, पुलिस सबसे बेटर है आपके लिए, अगर आप अभी नए नए तैयारी स्टार्ट किए हैं। और उसमें भी जो है थोड़ा दूर पोस्टिंग है महाराष्ट्र में, और मैं यहाँ जो है देवीपाटन मंडल गोंडा जिला से हूँ, तो दूर पड़ता, लेकिन ठीक है सरकारी नौकरी मिल गई तो एक बेस मिल गया, उसके बाद तैयारी और अच्छी हो रही है अब। ठीक है, 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, 3-4 घंटे काम रहता है, उसके बाद में फिर फ्री हैं, पढ़े हम आराम से अपना। अच्छा, महीने में कितने दिन ड्यूटी रहती थी ये बताइए मोटा मोटा। महीने में देखो, कभी नाइट में 1 घंटा ड्यूटी लग गया तो पूरा दिन अगले दिन जो है रेस्ट मिल गया, और एक संडे संडे तो 4 संडे ये मिल जाता था, और सुबह 10 बजे जाते थे, 3-4 बजे तक वापस आ जाते थे, तो पढ़ाई के लिए भरपूर टाइम मिलता था। तो मित्रों देख सकते हैं, बहाना नहीं चलेगा कि मैं ड्यूटी कर रहा हूँ तो मुझे मिल नहीं। एक बात मैं और यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो सरकारी नौकरी करते हैं ना वो जो है ज्यादा पढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि जब प्रेशर पड़ता है ना तो उनको पता है कि हमको यहाँ से निकल के और आगे जाना है, क्योंकि वहाँ सीनियर इतनी बार आपको डांट लगाएगा मित्रों तो आप झेल नहीं पाएंगे। अगर आप संघर्षशील हैं ना तो फिर वहाँ आप टिक नहीं सकते, आप कहेंगे हमें इससे आगे जाना मेरे है। मेरे 3 दोस्त पुलिस हुए थे 2018-19 वाले में, मेरी एज उस समय 18 नहीं थी। जी 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 ठीक है, तो वो SI हो गए तीनों, क्यों हो गए? और जो बाहर वाले थे जो 24 घंटा पढ़ते थे वो नहीं हुए, क्योंकि उनके ऊपर बर्डन था। ठीक है, डांट पड़ती थी बड़े लोगों से, सीनियर आता है तुरंत जय हिंद बोलना है, तुरंत SHO आए तुरंत जय हिंद, आपकी SI की वैकेंसी आ रही है, 4000 के आसपास लगभग पोस्ट आ रही है। अगर आप पुलिस पढ़ेंगे, पुलिस में हो जाएगा, उसके बाद SI आ रही है उसमें भी काम देगा, इसकी ज्वाइनिंग से पहले SI का पेपर हो जाएगा। बहुत अच्छा, आपके लिए सोने पर सुहागा है, वही पुलिस पढ़ने के बाद में SI दे देंगे। फिर जो नए फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनके लिए 2 महीना बहुत है। ठीक है, जो पढ़ने में अच्छे हैं खूब बढ़िया से मेहनत करें मित्रों, बेसिक से पढ़ें, अगर नहीं भी आता है तब भी आप सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक सब्जेक्ट को 4-4 घंटे दे दीजिए, मात्र 12 घंटा पढ़िए, ज्यादा हम पढ़िए 12 घंटे में आराम से सब कुछ कवर हो, आराम से 12 घंटा पढ़िए, उसमें थोड़ा बहुत घूमिए भी, 12 घंटे में एड रखिए वो सब, थोड़ा बहुत घूम भी लीजिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा अवॉइड करिए बाहरी लोगों को। ठीक है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, 1 महीना ही है, उसके बाद में सब कुछ आपके साथ रहेंगे मित्रों। लेकिन जब जानते हैं ना कि सिलेक्शन होता है उसके बाद सब सलाम ठोके, और उससे पहले तमामों बुराइयां आएंगी, ये कहेंगे ऐसा घूम रहा वैसा घूम रहा वैसा कर रहा, ये सब ध्यान में नहीं रखना है आपको, अपने लक्ष्य पे ईमानदारी साथ होने के बाद सब कहेंगे बहुत पढ़ता था। उसके बाद सब कोई नहीं कहेगा, आप जानते हैं सब सलूट ठोकेंगे, लेकिन जब आपके पास कामयाबी का एक मोहर यानी टप्पा लग जाएगा तभी, तब उसके बाद ही कुछ होगा। चलिए मित्रों बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा रहा। फिलहाल आप जानते हैं मैं इंटरव्यू लेता था तो ज्यादातर डिजिटल बोर्ड के पीछे ही लेता था, आज मैं गांव पे हूँ और गांव पे हूँ इस टाइम जो है विष्णु जी भी गांव पे आए हैं, और विष्णु जी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जैसा भी होगा आप लोग बताइएगा, कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स लिखिएगा, बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा आपको, रिप्लाई आपको मिलेगा नहीं, कोई भी आपकी जो है दिक्कतें आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, रिप्लाई बहुत बड़ी बात है मित्रों, दिया जाएगा आपको, विष्णु जी खुद रिप्लाई देंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। ठीक है ठीक है, मिलते हैं सुन में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद जय हिंद।